सैडल नोज डिफॉर्मिटी। यस दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे नोज की एक सुंदरता से रिलेटेड, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है सैडल नोज। दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार क्या है कि जो है किसी पेशेंट को सैडल नोज होता है तो उसको बड़ा परेशानी होती है, बहुत ऑकवर्ड फील होता है, नाक सुंदर नहीं होता, मजा नहीं आता, क्योंकि हम 10 बार हमारा फेस देखते हैं। सो दोस्तों, जानते हैं क्या है ये सैडल नोज प्रॉब्लम। सैडल नोज दैट मीन्स दोस्तों, हमारा जो नोज का ब्रिज है, ये ब्रिज दैट शुड बी स्ट्रेट फॉर ए गुड एस्थेटिक प्लीजिंग नोज। नोज हमें सुंदर के लिए हमें स्ट्रेट ही चाहिए होता है। बहुत बार दोस्तों, हमारा इस नोज का जो ये जो हमारा डोरसम है, ये जो हमारा ब्रिज है, इसके ऊपर गड्ढा होता है, जिसको हम सैडल नोज बोलते हैं। अब दोस्तों, सवाल आता है कि ये सैडल नोज कैसे हो जाता है, क्या कारण होता है। दोस्तों, सैडल नोज का जो कॉमन जो कारण होता है, नंबर वन ये है ट्रॉमा। ट्रॉमा कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाती है, क्रिकेट बॉल इंजरी होती है। तो दोस्तों, जो हमारा नोज होता है, जो ये ऊपर का जो है, ये ब्रोकन होने से क्या है, ये नीचे बैठ जाता है या ओपन बुक फ्रैक्चर टाइप में हो जाता है। तो एक रीजन है ट्रॉमा। दूसरा दोस्तों, इन्फेक्शन। अभी तो दोस्तों फिर भी कम हो गया, अदरवाइज क्या है, पहले एक लेप्रोसी जो है एक बड़ा कॉमन कारण था सैडल नोज का। इसको समझने के लिए हमें दोस्तों ये देखना होगा कि जैसे एक मकान होता है, उस मकान के ऊपर एक लेंटर होता है और वो लेंटर उस पूरे मकान का प्रेशर झेलता है, ऐसे ही हमारे नोज में क्या है, अंदर सेप्टम होता है जो इस नोज को ऊपर मेंटेन रखता है। तो कई बार क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन के कारण क्या है कि जब ये जो अंदर का सपोर्ट है वो पूरा डैमेज हो जाता है, तो नोज क्या है, कोलैप्स हो जाता है, ऊपर से बैठ जाता है, ये भी एक कारण होता है। तीसरा दोस्तों, इट्रियोजेनिक, दैट मींस कई बार क्या होता है कि आपका कोई ऑपरेशन ऐसा कराते हो, पोस्ट जैसे सेप्टोप्लास्टी डीएनएस की सर्जरी के बाद भी दोस्तों हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं। कई बार क्या होता है कि सर्जन की अनभिज्ञता के कारण होता है, या कोई कई बार क्या होता है कि डिफॉल्ट कोई टेक्निक होती है सर्जरी के कारण, एंड गलती से क्या है कि जो है वो ऊपर का जो सेप्टम जो है वो एक्सिस निकाल दिया, उसके कारण भी नोज बैठ जाता है। सो दोस्तों, ये हुए हमारे सैडल नोज के कारण। अब दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है। दोस्तों, उस सर्जरी का उद्देश्य पहला होता है कि हमें ब्लॉकेज फ्री नोज होना चाहिए। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जितना हमारा नोज बैठा हुआ है, यानी अमाउंट ऑफ हमारा सैडलिंग कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें मटेरियल चाहिए होता है। हम बिल्डिंग बनाते हैं तो भी मटेरियल चाहिए होता है, तो नोज बनाते हैं तो हमें मटेरियल लेना होता है। मटेरियल कहां से लेते हैं दोस्तों, कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारा यह जो कान की जो कार्टिलेज है, जिसको हम कोंकल कार्टिलेज बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारा जो रिब है वो भी हम ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, डॉक्टर बताता है कान की कार्टिलेज लेनी पड़ेगी या रिब हमें लेनी पड़ेगी, दिमाग खराब हो जाता है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा नाक बनाने के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हम मान लो, सपोज करो हमने अगर रिब भी लिया या कान का भी लिया, तो हमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पीछे से इंसिजन लगता है, वो भी बाद में विजिबल नहीं होता। रिब का अगर हम पार्ट लेते हैं तो कुछ अमाउंट हमें वहां छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारे जो है रिब की कॉन्ट्यूर भी मेंटेन होती है, एंड जो है कई बार जो हमारा रिब भी वापस रीग्रो हो जाता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड फिर इस नोज को एक ओपन राइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से बनाया जाता है, वो डिप्रेशन फील कर दिया जाता है, एंड अमाउंट ऑफ सेडलिंग देखी जाती है कितना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको एक पूरा ब्लॉक भी लगाया जाता है, कई बार उसका स्लाइस बना के भी लगाया जाता है, कई बार उसका पेस्ट बना के भी लगाया जाता है। These are the different way by which we correct the augmentation rhinoplasty for the saddle nose correction, and एक आप सुंदर नाक डॉक्टर आप पा सकते हैं, जिससे आपका जो है लुक भी बेहतर हो। So दोस्तों, this is the management of the saddle nose. देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण information है। You can share this information to your family and colleagues just to create awareness regarding the saddle nose deformity and its management. Thank you.